देखिए, सिख धर्म का एक और सिद्धांत है और वो है मंड चखना। जी हाँ, हम इसको खाने पीने से रिलेट करते हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे का जो पूरा भाव है वो ये कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है तो उनके साथ बांटिए जिनके पास नहीं है। ज़रूरी नहीं है खाना पीना हो। अगर किसी को आपके पास पैसा ज़्यादा है तो उसको दीजिए जिसके पास नहीं है। अगर आपके पास घर की कोई सामग्री ज़्यादा है तो उसके साथ बांटिए जिसके पास नहीं है। मंड छकिए और वाकई में पुण्य कमाइए। एक खास रिपोर्ट, आगे देखते जाइए। रिश्ता बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, रिश्ता टूटने में एक पल ही काफी होता है। तो लगता है वो पल अब मलिष्का और ऋषि के लिए आ गया है, जब इनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। मलिष्का इसलिए परेशान है क्योंकि उसका ऋषि बदल रहा है और उसको ये फील हो रहा है, इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ऋषि अब उसका ऋषि नहीं रहा, इसलिए वो परेशान है। वो उसको उस तरीके से प्यार नहीं करता जैसे वो लक्ष्मी के साथ उसको देख रही है। तो वो थोड़ी पजेसिव है, जलिस है, परेशान है, हर्ट है कि ऋषि को मैं नहीं दिख रही हूँ, वो ही दिख रही है। तो इट्स जस्ट लव, जलिसी, एंगर, एवरीथिंग सब मिक्स होके आ रहा है। अब मलिष्का बर्दाश्त नहीं कर सकती है लक्ष्मी और ऋषि को एक साथ देखना। उसने कोशिश तो बहुत की लक्ष्मी का घर तोड़ने की, लेकिन उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसी का दर्द वो लिए घूम रही है। ऋषि से अब वो बात बात पर लड़ती है, उससे तो बात भी नहीं करना चाहती। तो वही अपनी माँ के साथ भी कुछ ऐसी ही बातें बतिया रही है। मलिष्का की लाइफ है ऋषि, तो आप सोचो अगर उसे जिंदा रहना है तो ऋषि चाहिए। तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकती है वो आपको पता चलेगा आगे। अब मलिष्का की माँ को देख के लग रहा है कि उसकी माँ लंबी रेस का घोड़ा है, तभी तो अपनी बेटी को कुछ ऐसे ज्ञान दे रही है। मलिष्का की मम्मी प्लान एक्चुअली ये कर रही है कि मैं वापस से ऋषि की हो जाऊँ, ऋषि मेरा हो जाए, और इसलिए हमारी एक पार्टी है, थीम पार्टी, उसमें मेरे को हीर बना के भेज रही है क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ वो रांझा बन के आएगा। अब अपनी माँ की बातों को सुनकर उसका बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ है। अब मलिष्का जो जो करेगी वो अपनी माँ के कहने पर ही करेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, क्या ये सब जो भी करेंगे उसके बाद लक्ष्मी और ऋषि का रिश्ता टूटेगा क्या? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।